वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर फूड स्टोरेज एंड शॉर्टेज। सो लेट्स रीड द की पॉइंट फर्स्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भोजन खराब क्यों होता है, व्हाई डज फूड गेट स्पॉइल्ड, और भोजन को संरक्षित करने के विभिन्न तरीके, डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, शॉर्टेज ऑफ फूड और भोजन की कमी। दिस गर्ल इज आस्किंग, मैम देयर इज पेक्यूलियर स्मेल कमिंग आउट फ्रॉम माई फूड, शुड आई ईट दिस फूड। वो अपने मैम से पूछ रही है कि मैम इससे एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है मेरे खाने से, तो क्या यह खाना मुझे खाना चाहिए। नाउ मैम रिप्लाइड, ओ नो योर फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड, अरे नहीं तुम्हारा भोजन खराब हो गया है। डोंट ईट दिस फूड, ये भोजन मत खाओ, यू विल फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगी, थ्रो इट अवे, इसे दूर फेंक दो। सो फूड गेट्स स्पॉइल्ड अंडर वेरियस कंडीशंस सच एज, भोजन जो है वो कई सारी परिस्थिति में ख़राब होता है। व्हेन इट इज़ नॉट पैक्ड प्रॉपरली, जब ये अच्छे से पैक नहीं होता है। व्हेन इट इज़ स्टोर्ड इन डर्टी सराउंडिंग्स, जब ये गंदी सराउंडिंग्स में स्टोर किया जाता है। व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू मॉइस्चर, और जब ये मॉइस्चर को एक्सपोज किया जाता है, मतलब कि जब ये मॉइस्चर के संपर्क में आता है। व्हेन इट इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग, और जब भोजन को बहुत लंबे समय तक रखा जाता है। फूड एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो भोजन होता है वो वातावरण से पानी को एब्जॉर्ब करता है। दिस वाटर डिसॉल्व्स इन द फूड, और जो ये पानी होता है वो जो ये भोजन होता है उसमें क्या हो जाता है, पानी डिसॉल्व हो जाता है। इट मेक्स डिजीज कॉजिंग जर्म्स लाइक मॉल्स बैक्टीरिया विच ग्रोज ऑन इट। इट मेक्स डिजीज, इस पर जो है डिजीज कॉजिंग जर्म्स, मतलब कि जिनसे बीमारियां होने वाले कीटाणु होते हैं, जैसे कि मॉल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो उस पर क्या करने लगते, उगने लगते। यू ऑल कैन सी इन दिस पिक्चर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेज, और ये जिम्मेदार होते हैं किसके, हानिकारक जहरीले पदार्थों के उत्पादन में। टू विच फूड स्टार्ट गिविंग फाउल स्मेल, जिसकी वजह से भोजन जो है वो गंदा सा स्मेल देने लगता है, एंड टेस्ट बैड, और उसका स्वाद खराब हो जाता है। इफ़ समवन कंज्यूम्स द स्पॉइल्ड फूड, और अगर कोई जो है स्पॉइल्ड फूड मीन्स खराब भोजन को कंज्यूम करता है, खाता है, इट लीड्स टू फूड पॉइजनिंग, इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, जो मेजर सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के, उसमें नौसिया है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल क्रैम्स है, डायरिया है, हेडेक एंड फीवर, तो जिसकी वजह से सिकनेस होती है। ओके, सिकनेस, वॉमिटिंग, उल्टी, एब्डोमिनल क्रैम्स, पेट में क्रैम्स होती हैं मीन्स मरोड़े होती हैं, एंड डायरिया, पेचिस, हेडेक, सर में दर्द एंड फीवर, बुखार। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व द फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, इसलिए फूड को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसको ख़राब होने से बचाने के लिए। Different food items take different amount of time to get spoiled. Different means तरह तरह के जो भोजन होते हैं वो तरह तरह different food items take different amount means वो different amount को लेते हैं time to get spoiled. ठीक है, ख़राब होने के लिए। सारे भोजन एक ही समय पे नहीं ख़राब होते, बल्कि वो different amount जो होता है वो different time लेता है। मिल्क्स गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली, दूध सबसे जल्दी ख़राब हो जाता है। फूड गेट स्पॉइल्ड फास्टर इन हॉट एंड रेनी सीजन, जो भोजन होता है वो आपका रेनी सीजन में और गर्मी के मौसम में जल्दी ख़राब हो जाता है। ऑन द अदर हैंड फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड सो क्विकली इन विंटर सीजन, जबकि भोजन विंटर सीजन में जाड़े के मौसम में इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होता। एंड फंगी डू नॉट ब्रीड इन कोल्ड कंडीशंस, और जो फंगस होते हैं, जो फफूद होते हैं, वो कोल्ड कंडीशन में ब्रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। हाई रिस्क और पेरिशेबल फूड्स गेट स्पॉइल्ड वेरी फास्ट, हाई रिस्क का मतलब कि ऐसे भोजन जो जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, और पेरिशेबल मीन्स जल्दी से नष्ट होने वाले, ऐसे भोजन जो होते हैं गेट स्पॉइल्ड वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स हैं, ये सब पेरिशेबल फूड्स होते हैं जो जल्दी से ख़राब होने वाले होते हैं। जो लो रिस्क या फिर नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते, डज नॉट स्पॉइल क्विकली, फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा, जैसे कि अनाज, दालें। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फूड प्रेजर्वेशन। अब फूड प्रेजर्वेशन क्या होता है? इफ़ द फूड गेट्स स्पॉइल्ड देन इट गेट्स वेस्टेड। अगर भोजन ख़राब हो जाता है तो ये बर्बाद हो जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट कंज्यूम इट, क्योंकि हम इसको खाते नहीं हैं। वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाई प्रेजर्विंग इट। हम भोजन को बचा सकते हैं इसको फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, है ना? कैसे? ये ख़राब ना हो इसके लिए हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आप प्रिजर्व कैसे करेंगे? प्रिजर्वेशन मेक्स इट फीजिबल टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। प्रिजर्वेशन जो है मेक्स इट फीजिबल। फीजिबल का मतलब हो जाता है कि संभव बनाता है, टू मेक इट पॉसिबल। टू स्टोर फूड मीन्स भोजन को स्टोर करने के लिए एक लंबे समय तक। ठीक है, प्रिजर्वेशन की वजह से आप भोजन को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेज टू प्रिजर्व फूड, और फूड को प्रिजर्व करने के बहुत सारे रास्ते हैं। दे आर रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। सबसे पहले तो आप उनको रेफ्रिजरेट करके या फिर फ्रीजिंग करके बचा सकते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड माने जाते हैं प्रिजर्विंग फूड के। All perishable foods can be stored at low temperature. और जितने भी perishable foods होते हैं, ख़राब होने वाले foods होते हैं, can be stored, इनको store किया जा सकता है at low temperature, बहुत ही कम temperature पे, for long periods, लंबे समय तक। Low temperature does not allow germs to grow. जो कम तापमान होता है इसमें जो germs होते हैं वो grow नहीं करते हैं, as there is no warmth, क्योंकि इसमें कोई गर्मी नहीं होती। For example, milk products, milk के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पोल्ट्री गुड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, कैन बी प्रिजर्व लाइक दिस। इनको इस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है, हाउ एवर कूलिंग ओनली डिलेज द फूड स्पॉयलेज बट डज नॉट कम्प्लीटली स्टॉप इट। ठीक है, कूलिंग क्या करता है कि फूड को ख़राब होने से धीरे धीरे रोक सकता है, लेकिन इसको बचा नहीं सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज चेक द फ्रिज इन योर होम। बच्चों, ये आपको खुद से करना है। आपको अपने फ्रिज में देखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और मम्मा ने कौन कौन सी चीज़ें फ्रिज में स्टोर करके रखी है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ विच फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन अ फ्रीजर। अब फ्रीजर में जो है कौन कौन से फूड आइटम स्टोर किए गए हैं। फाइंड द टेम्परेचर इनसाइड द फ्रिज एंड फ्रीजर। ठीक है, तो फ्रीजर और फ्रिज के बीच का टेम्परेचर कितना है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। नाउ ड्राइंग, हम ड्राइंग से भी फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। कैसे? ड्राइंग इज़ यूज टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट इन द फूड बाई ड्राइंग इट इन द सन। जो ड्राइंग का प्रोसेस होता है, किसी चीज़ को जब हम ड्राई करते हैं, उसको हम सुखाते हैं, तो इसमें हम ये करते हैं कि उसको धूप में रख देते हैं, जिससे कि जो फूड में जो भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से सूख जाए। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो विदाउट मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर फूड में है ही नहीं तो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी बैक्टीरिया की। लेकिन अगर वो मॉइस्चर है उसमें या फिर नमी है, तो वो भोजन जल्दी ख़राब हो जाता है। हैंस द फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। अगर मॉइस्चर नहीं है तो भोजन ख़राब नहीं होगा, जैसे कि पापड़, चिप्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा। सॉल्टिंग इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स। अब नमक छिड़क करके भी हम फल को बचा सकते हैं, सब्जियों को बचा सकते हैं और मीट को। सॉल्ट ड्रॉज आउट मॉइस्चर फ्रॉम फूड आइटम्स। नमक क्या करता है? जो भी मॉइस्चर होता है उसको बाहर निकाल देता है। सो दैट बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो ईजिली, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इतनी आसानी से ग्रो नहीं करता। नाउ स्वीटनिंग मीन्स स्वीटनिंग इज डन बाई एडिंग शुगर। अब स्वीटनिंग में क्या करते हैं, उसमें शुगर मिला दिया जाता है जो फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि जैम्स, जेलीज, चटनीज एंड मुरब्बाज आर प्रिजर्व्ड बाई दिस मेथड। वो इस मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं। पिकलिंग नेक्स्ट इज पिकलिंग। पिकलिंग मतलब जो अचार बनाए जाते हैं। पिकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड स्टफ इन एडिबल ऑयल्स। जो भी खाने वाले ऑयल्स होते हैं उनको मसाले, सॉल्ट मीन्स नमक एंड स्पाइसेस मीन्स मसालों के साथ में एक उनका फूड स्टफ बना के प्रिजर्व किया जाता है। वी रिमूव द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड स्टफ बाई ड्राइंग इन द सन। जो भी फूड स्टफ हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे आम का अचार हुआ, कटहल का अचार हुआ, ये भी चीज़ें जो पिकलिंग की जाती हैं, इनको प्रॉपर धूप में दिखाया जाता है, जिससे इसका जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। पिकल्स ऑफ मैंगोज, चिलीज, कॉलीफ्लावर,
वो सब इसी प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। नाउ कैनिंग, कैनिंग इज अ मेथड फूड इन जर्म फ्री एयर टाइट इन कंटेनर्स। ये क्या होते हैं कैनिंग का मतलब, कि इनको डब्बे में करके रखा जाता है, स्टोर करके, और ये डब्बे जो होते हैं जर्म फ्री होते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं। द फूड रिमेन्स सेफ फॉर ईटिंग बिकॉज नो एयर और मॉइस्चर कैन इंटर द कैन। जो ये कैन होता है इसमें किसी भी तरह का ना तो मॉइस्चर घुस पाता है और ना ही एयर, इसी वजह से इसको लंबे समय तक खाया जा सकता है। For example, fruits, vegetables, fish, condensed milk are preserved by this method. कंडेंस्ड मिल्क जो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फिश होते हैं, इनको इसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। इवन पीस भी होता है ना, जो सफल मटर आता है उसको आपने देखा होगा ना, कि उसको एक कैन में या फिर उसको जो है प्लास्टिक में अंदर क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। Now test your knowledge. Which oil is used to prepare pickles? So which oil do we use? We use mustard oil. MUSTARD. Mustard oil. Next question. What is the taste of pickles? It is sour. Next. Boiling. Boiling kills the germs. उबालना जो है क्या होता है, जर्म्स को मारता है। मिल्क इज बॉइल्ड टू स्लो डाउन इट्स बॉयलेज। मिल्क इज बॉइल्ड मीन्स दूध को उबाला जाता है, टू स्लो डाउन मीन्स धीमा करने के लिए, इट्स बॉयलेज मीन्स ये स्पॉयल ना हो, इसको कम करने के लिए। हाउ एवर बॉयल्ड मिल्क कैनॉट बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग। हालांकि जो उबले हुए दूध होते हैं उनको बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। पॉस्चुराइजेशन, पॉस्चुराइजेशन क्या होता है, पॉस्चुराइजेशन इज अ मेथड, एक मेथड होता है डिस्कवर्ड बाई लुइस पॉस्चर, जिसको कि लुइस पॉस्चर ने डिस्कवर किया है टू प्रिजर्व फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। दिस स्पेशली मिल्क को, द मिल्क इज बॉयल्ड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। इसमें क्या करते हैं, दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पे उबाला जाता है, टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन इट, जिसकी वजह से इसमें जो भी जर्म्स हैं वो मर जाए। देन इट इज इमीडिएटली कूल्ड एंड पैक्ड इन अ स्टरलाइज्ड कंटेनर्स। फिर क्या होता है, इन्हें तुरंत ठंडा किया जाता है और स्टरलाइज्ड कंटेनर्स में वापस से पैक कर दिया जाता है, या फिर बॉटल में या फिर टेट्रा पैक्स में। It stops the multiplication of bacteria. ये बैक्टीरिया को वो बढ़ने से रोकता है and increase the life of milk products. और जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। Adding preservatives. Preservatives को भी ऐड करके, क्या होते हैं preservatives? ये केमिकल preservatives होते हैं या फिर natural होते हैं, जैसे कि salt, sugar and vinegar. ये क्या करते हैं, food जैसे कि fish, meat and vegetables, इनको प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। Now, what is the color and taste of vinegar? So, vinegar जो होता है वो colorless होता है, it's colorless. Okay, now next question is, what is the taste? It is sour, S-O-U-R, sour. Now, what is the chemical name of vinegar? It's acetic acid, A-C-E-T-I-C, acetic, then acid, A-C-I-D, alright? Wastage of food. अब food wastage कैसे होता है? Millions of people around the globe die due to hunger and malnutrition. लाखों लोग दुनिया में मारे जाते हैं भूख और न्यूट्रिशन की कमी के कारण। They are not able to manage even two square meals a day, क्योंकि वो एक दिन के भोजन को भी, मतलब वो होता है ना 2 जून की रोटी, वो एक दिन में जो 2 जून की रोटी होती है उसी को मैनेज नहीं कर पाते। Why? Because of poverty, गरीबी की वजह से। Problems like droughts and famines, ठीक है, जो सूखा पड़ता है या फिर जो बाढ़ आते हैं इनकी वजह से, जो leads to death due to hunger, भूख की वजह से जो है उनकी डेथ होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू यूज़ फूड ज्यूडिशियली एंड नॉट वेस्ट इट एट ऑल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम फूड को बहुत समझदारी से यूज़ करें और उसको हम वेस्ट ना करें। We must keep in mind about the poor and hungry people. हमें जो गरीब लोग हैं और जो भूखे लोग हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। Before throwing away even a single morsel of food, भोजन का एक भी टुकड़ा फेंकने से पहले। We can prevent wastage of food in the following ways. निम्न तरह से आप food wastage को रोक सकते हैं। Cook only that much food as required. उतना ही भोजन पकाइए जितना की ज़रूरत है। Do not throw the leftover, और बचे हुए खाने को मत भेजिए। Eat it the next day, इसको अगले दिन खाइए।
While serving the food to yourself, take only as much as you can eat. हमेशा खुद को खाना देते समय उतना ही खाना लीजिए जितना आप खा सकते हैं. You can take second serving if required. आप दूसरी बार भी खा सकते हैं अगर ज़रूरी हो. Do not waste by taking extra food. ठीक है, एक्स्ट्रा फूड लेकर के उसको वेस्ट मत करिए. डोंट बाय टू बिग क्वांटिटीज़ ऑफ फूड. बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन मत लीजिए. स्टोर फूड आइटम्स कैन ऑल्सो गेट स्पॉइल्ड. जो स्टोर फूड आइटम्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं. स्टोर फूड प्रॉपरली. भोजन को ठीक से स्टोर करिए. अवे फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर. इसको हीट और मॉइस्चर से दूर रखिए. गिव अवे एक्स्ट्रा और रिमेनिंग फूड टू नीडी पीपल. जिनको जो ज़रूरतमंद है उनको ये भोजन दीजिए. इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे. इसको फेंकने से बेहतर है. शॉर्टेज ऑफ फूड कैन हैपन ड्यू टू मेनी रीजन्स. जो भोजन की शॉर्टेज होती है उसके भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, फ्लड्स मीन्स बाढ़ आ जाना, वेयर क्रॉप्स गेट डैमेज, जहाँ पर फसलें खराब हो जाती हैं. इन दिस केस ऑफ ड्रॉट्स, यू नो, सूखा पड़ने की स्थिति में क्रॉप्स डू नॉट ग्रो. क्रॉप्स उगते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होता. नेचुरल कैलमिटीज़, जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स. ठीक है, तो जो सुनामी है, भूकंप है, या फिर जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इनकी वजह से भी फसलें खराब होती हैं एंड रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से भोजन की कमी होती है. ठीक है, नाउ ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टेज ऑफ फूड. मानव जाति जो है वो भी शॉर्टेज ऑफ फूड के लिए जिम्मेदार है. इन द फॉलोइंग वेज, विभिन्न तरह से. इम्प्रॉपर स्टोरेज कैन स्पॉयल द फूड. जब हम फूड को प्रॉपर यू नो स्टोर नहीं करते हैं तब भी भोजन खराब हो जाता है. स्टोरिंग फूड इन डर्टी मॉइस्ट प्लेसेज, इन प्लेसेज वेयर देयर आर पेस्ट्स, रैट्स, इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो स्पॉयल फूड. जब भोजन को गंदी जगह पर स्टोर किया जाता है, ऐसे प्लेसेज जहाँ पर कीड़े मकौड़े ज़्यादा हैं, चूहे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी भोजन खराब होता है. सम शॉपकीपर्स होल्ड फूड. कुछ जो दुकानदार होते हैं वो होल्डिंग करते हैं, मीन्स स्टोरेज करते हैं फूड्स की. Natural calamities and try to sell them at higher prices later. वो होर्डिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अभी वो सस्ते में खरीद लेते हैं और बाद में उसको हायर प्राइसेस पर बेचते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट कमा सकें. This causes a shortage of food. इसकी वजह से भी भोजन की कमी हो जाती क्योंकि उन्होंने सारा कुछ उठा के होल्ड कर लिया. Wasting food at homes. वेस्ट करना भोजन को घर में, शादियों में, फैमिली में, फंक्शन में, ये सभी क्या है? शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस विद एग्जाम्पल्स. सो आंसर इज गिवेन हियर. ठीक है, वेट. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोसेस विद एग्जाम्पल्स. पॉस्चुराइजेशन, आंसर इज हियर. इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड आइटम बाई बॉइलिंग इट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन इट इज इमीडिएटली कूल्ड एंड पैक्ड इन अ स्टरलाइज्ड कंटेनर्स और पैकेट्स. इट इज़ स्पेशली यूज फॉर प्रिजर्विंग मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना, है ना, तो इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे. नाउ सॉल्टिंग एंड देन स्वीटनिंग. यू ऑल कैन राइट फ्रॉम देयर. दिस इज फ्रीजिंग. यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स विच कैन बी प्रिजर्व बाई. तो सबसे पहले कैनिंग में आप फिश को कर सकते हैं, मीट को कर सकते हैं, या फिर कंडेंस्ड मिल्क को कर सकते हैं. CONDENSED, condensed, then milk. Okay? Now next question है drying. अब dry किसको कर सकते हैं? आप पापड़ को कर सकते हैं and then chips को कर सकते हैं. पापड़ and then chips. ठीक है? Next, freezing किसको कर सकते हैं? Butter को and fruits को. Let me rub this. Freezing, butter, and then fruits, FRUITS. Okay, next, boiling करके हम किसे स्टोर कर सकते हैं? Milk and water. ठीक है, milk and water. Now next is pickling में आप क्या कर सकते हो? मैंगो का पिकल बनता है, लेमन का पिकल बनता है, जैक फ्रूट का पिकल बनता है. इट्स अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट हियर. ओके, नेक्स्ट. दिस इज डन. यू ऑल कैन राइट फ्रॉम देयर. नाउ फैक्टर्स विच
कॉज फूड शॉर्टेज। तो सबसे पहले तो फ्लड की वजह से ऐसा होता है जब कभी भी बाढ़ आ जाती है, या फिर ड्रॉट हो जाता है। ड्रॉट मीन्स सूखा, DROUGHT, ड्रॉट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वेस्टेज ऑफ फूड, जब हम खाने को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं तब भी भोजन की कमी हो जाती है, वेस्टेज ऑफ फूड। और लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे होर्डिंग। होर्डिंग मतलब स्टोरेज, जब हम किसी चीज़ को या भोजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर करने लगते हैं फॉर प्रॉफिट। अब प्रेजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? रेफ्रिजरेशन या फ्रीजिंग करके, है ना, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के अलावा आप क्या कर सकते हैं? ड्राइंग कर सकते हैं ना, उसको ड्राई कर लीजिए, ड्राइंग, ठीक है, ड्राई करिए, सुखाइए। देन सॉल्टिंग, SALTING, सॉल्टिंग। एंड देन नेक्स्ट इज पिकलिंग, मीन्स अचार बना करके भी आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। मान लो घर में बहुत सारा लेमन आ गया, अब अगर आप लेमन बहुत टाइम तक रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं हम, लेमन का अचार बना सकते हैं ना। सो व्हाई डज फूड गेट स्पॉइल्ड? फूड गेट स्पॉइल्ड अंडर वेरियस कंडीशंस, सच एज व्हेन इट इज़ नॉट पैक्ड प्रॉपरली, व्हेन इट इज़ स्टोर्ड इन अ डर्टी सराउंडिंग्स, व्हेन इट इज़ एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, व्हेन इट इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड? If someone consumes the spoiled food, it leads to food poisoning. The major symptoms of food poisoning are nausea, vomiting, fever. Thus, it is important to preserve the food to prevent it from getting spoiled. Now, what are the signs of spoiled food? Fungus start appearing on the food item. Food starts giving foul smell and tastes bad. ठीक है, उसका स्वाद खराब हो जाता है. So, it tastes bad. Question number 4, why should we control wastage of food? So answer number 4 is, we should control wastage of food because who would die due to hunger and malnutrition. So we should use food judiciously and does waste it at all. And does not, right? And does not waste it at all. List any 5 ways to control wastage of food. Cook only that much food as required. Pehla point. Do not throw the leftover. Eat it to the next day. Dusra. Do not buy large quantities of food. Stored foods can also get spoiled. Store food properly away from heat and moisture. Do not waste by taking extra food in parties, weddings, family and functions. I have given 6 points. You can write any of the 5. Now, HOTS है. HOTS में आपको क्या करना है बच्चों? Question है, why do people prefer organizing family functions, parties and weddings in the winter season? अब ज़्यादातर जो weddings होती है, parties होती है, family functions होती है, शादियों में ही क्यों होता है? Why are the summers not suitable with respect to food items? और summers क्यों नहीं suitable होते? So the answer is, it is so because food spoils faster in summer season. गर्मी के मौसम में भोजन जल्दी ख़राब हो जाता है बिकॉज बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई फास्ट, वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं हॉट कंडीशंस में। हैंस पीपल प्रेफर विंटर सीजन फॉर पार्टीज एक्सेट्रा, क्योंकि जो फूड होता है बच्चों वो स्पॉइल्ड नहीं होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होता, इसकी वजह से विंटर में जल्दी खाना ख़राब नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।